19 जनवरी से 23 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने वाली है। जी हाँ, श्रीनगर में आज कई फ्लाइट रद्द कर दी गई। आज तापमान जो है वहाँ पर -3 डिग्री रहा। वहीं लद्दाख के द्रास में -16 डिग्री रहा तापमान। गुलमर्ग में तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में तो बर्फबारी ने मुगल रोड बंद कर दी। कई जगह लैंडस्लाइड का भी अलर्ट है। सड़क पर बर्फ की 3 से 4 इंच मोटी परत जम गई है, जिसकी वजह से फिसलन हो रही है और सड़क पर लंबा जाम लग गया है। और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा, तो मुसीबत बढ़ गई है। और दिल्ली में ठंड की वजह से आपको बता दें 15 दिन में 96 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें ठंड से उत्तरी दिल्ली में 23 लोगों की मौत हुई है और ये सभी बेघर थे। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक 331 लोगों की ठंड की वजह से मौत हो चुकी है। आपको बता दें 235 लोगों ने पिछले दिसंबर महीने में ही अपनी जान गंवा दी थी। ठंड के कहर की ये दो तस्वीरें डराने वाली हैं। जम्मू कश्मीर है तो धरती की जन्नत, लेकिन यहाँ बर्फ का ऐसा हमला हुआ है कि कश्मीर कराह रहा है। जनवरी में कश्मीर बर्फिस्तान बन चुका है। सड़क से लेकर पहाड़ तक सब सफेद है। दुकान से लेकर मकान तक पर बर्फ का कब्जा है। पारा माइनस में पहुंच चुका है। बर्फ की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और जगह जगह रास्ता बंद हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी से 23 जनवरी तक घाटी में जबरदस्त बर्फ की बरसात होने वाली है। खराब मौसम की वजह से कश्मीर में कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। राजौरी पुंछ को शोपिया से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद। उत्तर दक्षिणी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। नॉर्थ एंड सेंट्रल कश्मीर में मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल का रिपोर्ट आ रहा है। जब भी कोई विंटर में हेवी स्नो होते हैं तो स्नोबोर्न एरिया में एवलांच का खतरा हमेशा रहता है। आप घर में ही रहें और अपने आप का ख्याल रखें। कश्मीर के गांदरबल में मंगलवार रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। क्या घर और क्या सड़क, हर जगह बर्फ की चादर है। सड़क बंद है, इसीलिए मजबूरन लोगों को घंटों पैदल रास्ता तय करना पड़ रहा है। पूरी 2 घंटे से मैं पैदल आ रहा हूं और मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा था गांदरबल, फिर से वापस आ गया। कश्मीर में आफत के इस वक्त को चिल्लई कला कहा जाता है, यानी वो 40 दिन जब कश्मीर में जबरदस्त बर्फ गिरती है। पारा श्रीनगर में -2.1 डिग्री, पहलगाम में -4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में तो तापमान -6 डिग्री है। पहाड़ों पर बर्फ का हमला हुआ है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर होने वाला है। आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को सावधान होने की जरूरत है।